संती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। ओहो अब एक काम करो अपने लिए जरा जोरदार ताली बजा ले सारे। चलिए आप सबके बीच अब मैं बुलाने जा रहा हूं आप सबके चहेते इस पूरे हिंदुस्तान के लाडले कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य जी। आइए तालियों के साथ तेज और वाणी का शौर्य बाबा सत्यनारायण मौर्य। वंदे मातरम भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम। अच्छा हमारे जितने अधिकारी हैं उनकी इच्छा है देश महान बने। विवेकानंद जी की स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी देश महान बने। डॉक्टर साहब की इच्छा थी देश महान बने। आप सबकी इच्छा भी है देश महान देश परम वैभव को प्राप्त परम वैभव को राष्ट्र प्राप्त हो। तो आइए जब हम सबकी इच्छा है कि भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम। एक बार केवल जितने शिविरार्थी सब गाएंगे ठीक है ना। हम तो सब गाना जानते कि नहीं जानते। और जगह होता लोग गाते तो कोई साथ में गाता लेकिन अपन तो कबड्डी खेलने वाले लोग हैं। अगर चार खेलते पांचवा जबरन घुसता मैं भी खेलूंगा नहीं तो तुम्हें भी खेल ले ठीक है ना। तो आइए हम अकेले ना गाएं केवल एक आदमी के महान बनने से देश का कल्याण होता तो स्वामी विवेकानंद महान थे देश महान बन गया होता। केवल डॉक्टर साहब के महान बनने से देश महान होता देश महान बन चुका होता। देश को महान बनाने के लिए हम सबको महान बनना। तो आइए हम सब मिलकर गाएं भारत भक्तों भारत फिर से वे भव पाए परम भारत भक्तों भारत फिर से सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम गाइए वंदे मातरम वंदे मातरम। ताली बजाते हुए पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा उस मुल्क की सरहद
छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आके। वंदे मातरम, ताली मिला के, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, जितने लोग गा रहे हैं उन सबसे अनुरोध अवश्य करूंगा, ये वंदे मातरम गाने का सौभाग्य पाकिस्तान में प्राप्त, अमेरिका वालों को प्राप्त, जापान वालों को भी प्राप्त। अच्छा, आपने कभी सुना क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक घंटे भाषण दिया हो और अंत में कहा हो अमेरिका माता की? कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान अब्बा की? बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कहा कभी बांग्लादेश मम्मी की? बांग्लादेश मम्मी नहीं है, फ्रांस फूफा नहीं है, अमेरिका अब्बा नहीं है, पाकिस्तान पापा नहीं है, लेकिन भारत। और ये हमको किसने सिखाया? जब प्रभु श्री राम गए थे लंका, लंका पर विजय प्राप्त कर ली, लक्ष्मण ने कहा भैया इतनी अच्छी लंका है अब वापस क्यों जाएं यहीं? प्रभु श्री राम ने कह दिया था अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी। तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य ये जाना, शश श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, शश श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, और वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखना 3 दिन का शिविर है, कितने दिन का? 3 दिन का, एक दिन तो निकल गया और दूसरा दिन भी। पर एक मजेदार बात बताऊं, जब दिन में बौद्धिक चल रहा था, ठीक है ना, सारे के सारे सुन रहे थे क्या? बताऊं ईमानदारी से बताऊं, मैं भी बैठा था। जब शुरू में बैठते हैं बिल्कुल कमर सीधी, फिर थोड़ा बहुत बौद्धिक चलता कमर, फिर थोड़ा बहुत और, फिर बगल वाला उठाता ए सो मत तू अपनी देख। ये ईमानदारी से। लेकिन एक बात याद रखना भाइयों, जैसा मेरा परिचय कराया जा रहा था, मैं टीवी में काम करता था, फिल्म में काम करता था, फिल्म में गुंजाइश है, फिल्म में जितने हीरो होते हैं एक बार कूदते हैं डायरेक्टर बोलता कट रीटेक, इसको क्या बोलते हैं, फिल्म में रीटेक हो सकता है लेकिन असली जीवन में रीटेक। अगर जवानी का काम जवानी में नहीं किया तो बुढ़ापे में कर लोगे क्या? श्रद्धेय महात्मा गांधी ने देश के लिए कुछ भी किया होगा मुझे मतलब नहीं, पर आज तक एक भी लाठी खाई क्या? खुदीराम बोस ने फांसी खाई, एक भी कभी एक बार भी नेहरू की टांग टूटी क्या? मेरी इन बातों को और कहीं नहीं जोड़ा जाए, लेकिन कहना चाहता हूं कि जिन्होंने जीवन में एक भी बार लाठी नहीं खाई, जिनका कभी सिर में 2 टाके नहीं आए, उनके नाम से 1 से लेकर 1000 तक के नोट देश में हैं। लेकिन जिस भगत सिंह ने फांसी खाई, जिस खुदीराम बोस ने फांसी खाई, जिस स्वामी विवेकानंद दुनिया में नाम पहुंचाया, नाटक करना चाहती है सरकार, 200 करोड़ रुपए खर्च करके नाटक कर रही है, विवेकानंद के जन्मदिन पर विवेकानंद को सम्मान देना चाहते हो, 2 सम्मान। अगर महात्मा गांधी के नाम से 1000 का नोट छपे कोई बात नहीं, 500 के नोट पर स्वामी विवेकानंद का चित्र छापो।
दोस्तों, अगर ये सब काम सरकार से हो जाते तो आपकी जरूरत पड़ती क्या? आपको ठंड में उठना पड़ता क्या? मैं भी शिविर में आने वाला था, पर बताओ मैं क्यों नहीं आया? मेरे को 5 बजे उठने में बहुत डर लगता है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार जब शिविर में गया तो मैंने शिविर में कविता बनाई थी, बताऊं कौन सी? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी शिविरस्थान की, 4 बजे की सीटी बजती आती आप जान की, दक्ष आरम दक्ष आरम। देखो देखो एक बात बताऊं, मैं इस शिविर की बात नहीं कर रहा हूं, आए जब हम पहले दिन तो छोड़ा सबको टेंट में, सुबह बुलाया तो सब आए खाकी हाफ पेंट में, कुछ आए थे क्रीम लगाकर कुछ आए थे सेंट में, पीटी करके भागे थे सब नाश्ते को अर्जेंट में। पर धक्का मुक्की नहीं हुई थे बात है यही ईमान की, 4 बजे की सीटी बजती। पर बात सुनो, देखो एक बार बता दूं मैं आपको, ये कार्यक्रम कर रहा हूं, आप 2 दिन से ताली बजा रहे हो क्या? लेकिन यहां छूट है कि नहीं है? ये जीवन में कभी कोई छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और एक बात याद रखना, अगर अभी आपने ढंग से ताली नहीं बजाई तो इस टाइम का भी रीटेक होने वाला। ठीक है, तो एक काम करना, जो टाइम मिले मस्ती में कर लेना। ये युवा शिविर है, कौन सा शिविर है? तो लोग बोलते हैं युवा शिविर जो बुजुर्ग शिविर लगा लो, तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं? तो लोग बोलते हैं बुढ़ापा किसके लिए? बोले बुढ़ापा देश के लिए और जवानी ऐश के लिए। तो मैंने कहा बेटा जिस उम्र में ऐश नहीं हो सकता उस उम्र में देश का ख्याल भी, इसलिए अगर ऐश के लिए जवानी है तो देश के लिए भी। स्वामी विवेकानंद ने बुढ़ापा देश की सेवा में अर्पित नहीं किया, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी बुढ़ापा अर्पित नहीं किया, छत्रपति शिवाजी ने देश को बुढ़ापा नहीं दिया, खुदीराम बोस ने भी अपनी बुढ़ापा नहीं दिया, जवानी दी, अरविंद ने भी जवानी ही दी। तो याद रखो, एक नारा बोलो, ऐश के लिए जवानी तो देश के लिए भी। भारत माता की सेवा में कुमलाया वो फूल चढ़ाया, तो बोलो तैयार हो कि नहीं हो? अभी यहां आधे घंटे गाने की नहीं बोल रहा हूं, इसके बाहर निकलने की बात कर रहा हूं। और एक बात और बताओ, टाइम तो काफी निकल चुका है, अभी तो मैं कार्यक्रम आरंभ करूंगा, चित्र भी बनाऊंगा, मेरी इच्छा स्वामी विवेकानंद का आखिरी बड़ा चित्र बनाऊं, भारत माता का चित्र ना पीछे का, तैयार हो ना गाने के लिए? तो अब मुझे एक बार बता दो, सूखा सूखा कार्यक्रम करूं या इसी गियर में चलने दूं? चलने दूं, साथ गाओगे? तैयार हो? क्योंकि याद रखना, और जब कलाकार आते तो आपको गाने के लिए नहीं कहते, बताऊं क्यों? वो कहते तुम तो लट चला सकते हो, गाओगे कैसे? तुम तो सुबह उठ सकते हो, योगा कर सकते हो, गाओगे कैसे? लेकिन स्वामी विवेकानंद जिन वेदों की बात बताइए, उन वेदों में कहा गया हमसे शर्वंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा, और संस्कृत कहती तुम आदमी हो, कहती है ना। हेलो एक मिनट, ये भैया बंद किया जाए, हेलो हेलो ये कैमरा वाला उधर घुमाना बंद कीजिए, और ये आपका अनुशासन है, हाथ नीचे कीजिए वहीं से, उधर की तरफ आप कैमरा मत ले जाइए भैया, ये कोई शूटिंग नहीं हो रही फिल्म की, हंसना नहीं। मैं एक बात फिर बताऊं आपको, और संस्कृत सिखाती तुम आदमी हो, आदमी का अर्थ क्या होता है? आदमी का अर्थ है आदम हुआ की संतान, आदमी। तो लोग कहते हैं आदमी क्यों कहते हैं? आदमी का अर्थ है आदम हुआ ने पाप किया, उसके फलस्वरूप आदमी पैदा हुआ, और इसके उद्धार के लिए कोई परमात्मा पैगंबर भेजेगा, परमात्मा अपना पुत्र भेजेगा। लेकिन हिंदू तो यह नहीं सिखाता, स्वामी विवेकानंद दुनिया में जाकर कहा था हम पाप की संतान नहीं है, हम आदमी नहीं है कि हमारे लिए कोई पैगंबर उद्धार करने आए, हम वो पाप की संतान आदमी नहीं है कि हमारे लिए कोई परमात्मा का पुत्र आए, हम आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कौन है? हमारे ऋषि ने समझाया था शर्वंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। तो आइए आज से अपने अमृतत्व को जगाइए। भगवान कृष्ण अगर चक्र चला सकते थे तो बांसुरी भी। तो बोलो तैयार हो कि नहीं हो? कबड्डी खेलने को कितने लोग तैयार? अच्छा देखो एक बात है, लोग बोलते हैं संघ वाले क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते हैं? तो बोलता हूं क्रिकेट तो ईसाई देख ईसाई खेले। तो लोग एक मिनट, हेलो अशोक दादा, अशोक दादा, क्योंकि मैं जिस प्रकार आज कार्यक्रम कर रहा हूं इस प्रकार का मैंने कभी कार्यक्रम किया, मैं कभी भी इतना दूर लेके कार्यक्रम नहीं कर पाता हूं, लेकिन मंच की मर्यादा है, आप भी इतनी संख्या में हैं, पास में मंच चला नहीं सकता हूं, रेम बना नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। लोग बोलते क्रिकेट क्या है, मैंने कहा क्रिकेट तो ईसाई है। बोले कबड्डी क्या है, मैंने कहा कबड्डी हिंदू है। बोले कबड्डी हिंदू कैसे? मैंने कहा दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? इधर का एक खिलाड़ी मर जाता है और उधर वाले ने कुछ कर दिया, इधर का वापस जिंदा भी, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। क्या बोलते हैं? कभी क्रिकेट में ऐसा होता है क्या कि धोनी आउट हो गया, सचिन ने एक आउट कर दिया, धोनी फिर जिंदा हो गया? होता है क्या? बजाओ ताली इस बात में जोरदार।
तो आइए, चलो मस्ती में गाने को तैयार, रेडी वन। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी। ये मंत्र सब मंत्रों से बड़ा क्यों है? ओम भूर्भुवस्वः करते वो भी एक मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र है, लेकिन भारत वंदे मातरम सबसे बड़ा मंत्र। और ये हमने नहीं कहा, आज सुबह जब मैं बहुत ही सुन रहा था श्रद्धे दत्ता जी का, उन्होंने विवेकानंद जी का उद्धरण देते कहा था, स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने कहा था अगले सालों के लिए सब देवी देवताओं को भूल जाओ, आपकी केवल एकमात्र देवी होना चाहिए, एकमात्र देवता होना चाहिए, वो होना चाहिए अपना देश, वो होना चाहिए अपनी भारत। इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, धरती बहुविधि मंगलकारी, वंदे मातरम अपनी आन है ये शहीदों का अरमान है, वंदे मातरम अपनी आन है ये शहीदों का अरमान है। आन न जाए आन न जाए, शान न जाए शान न जाए, आन न जाए शान न जाए, होता है तो होवे सर भले ही कलम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। अब जैसे मैं चित्र बनाऊं, कई बार लोग बोलते हैं कलकत्ता आए हो यहीं के वीरों के चित्र बनाओ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, कलकत्ता में कलकत्ता के वीरों के चित्र बनाऊंगा तो महाराष्ट्र में जाके किनके बनाऊंगा? फिर महाराष्ट्र बोलेगा खाली तुकाराम बनाओ, खाली शिवाजी बनाओ, पर मेरा भी सिद्धांत अलग। दोस्तों आज तो देश में तोड़ने की बात चल रही है, जब हम बोलते हैं भारत हमारी माता, अगर बंबई में रहकर मैं कहता हूँ भारत मेरी माता, और कलकत्ता में रहकर अगर आप कहते हैं, बंगाल में रहकर आप कहते हैं भारत आपकी माता, कोई गुजरात में कोई आसाम में रहकर कहता भारत हमारी माता, भारत अगर हम सबकी माता तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई। तो तुमको भी कविता बनाना आता? तुमने कहते कहा माता और नाता, आदमी रोटी और वापस बस में बैठकर, वाह यार क्या जोरदार कविता बनाता, ताली बजाओ अपने आप के लिए। कविता आती है ना, बस मैं इस कार्य में कुछ भी करने नहीं आया हूं, मैं तो केवल एक बात कहने आया दोस्तों कि इस देश को पूर्ति अगर करना है, देश को महान बनाना है, भारत माता की जय तो राज ठाकरे भी बंबई में बोलता है लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुंह भी खोलता है, तो ऐसी भारत माता की जय का कोई अर्थ नहीं। हम बंगाल की जय बोले और शिवाजी को भूल जाए तो काम होने वाला नहीं है। जितनी प्यारी बंगाली है उतनी प्यारी मराठी भी, बंगाली प्यारी है कि नहीं है? যদি তোর ডকশনে কো না আসি তবে একলা চালো রে, তবে একলা চালো একলা চালো রে। কল সে এসা মত করনা কি ও তাতি ছোড় কে অলগ চল দিয়ে। हम सबको साथ चलना, ओम संगच्छत ध्वम संवद ध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपास्ते। हम सब साथ साथ चलें, हम सब साथ साथ बोलें, हम सबके मन एक जैसे हों, हम सबके विचार एक जैसे हों, हम सबकी वाणी एक जैसी हो, तो इसके लिए जरूरी है। देशभक्ति का अर्थ केवल यह नहीं है कि तिरंगा झंडा लेकर सीमा पर पहुंच जाएं, देशभक्ति का अर्थ यह भी है कि जितना सम्मान बांग्ला को देते हैं उतने ही सम्मान मराठी को भी देने लग जाएं, उतने ही सम्मान साउथ को भी देने लग जाएं, उतने ही सम्मान शिवाजी को भी। तो आइए एक गीत जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, इसी बात को तो मराठी में भी कहते हैं।
आमी पुत्र अमृताजे, आमी पुत्र याधरे, तालियां, आमी पुत्र अमृताजे, आमी पुत्र याधरे चे, उजळून आज दाऊ, उजळून आज दाऊ, भवितव्य मातृभूजे, आमी पुत्र अमृताजे, आमी पुत्र याधरे चे। हरे रामा हरे रामा रामा रामा। अच्छा एक बात है, हरे कोई कोई ये बोल सकता है विवेकानंद जी का कार्यक्रम कर रहे हो और हरे राम हरे कृष्ण गा रहे हो, क्या अर्थ है? तो मैं बताऊं, राम और कृष्ण क्या हुए? राम और कृष्ण, अगर राम कृष्ण नहीं तो राम कृष्ण परमहंस भी, तो राम और कृष्ण तो वो हुए, मिलकर हुए राम कृष्ण, और अगर राम कृष्ण परमहंस नहीं तो विवेकानंद भी, और विवेकानंद नहीं तो जीवन में आनंद भी। तो आइए दोनों हाथों से झूमते हुए, देशभक्ति यही तो है, हम अपने ऋषियों का सम्मान करना सीख जाएं, हम देशभक्ति की बातें करते रहें और कोलगेट से दांत साफ करते रहें, हम देशभक्ति की बात करते रहें, रिन से कपड़े चमकाते रहें, हम देशभक्ति की बात करते रहें और बाटा के जूते पहनते रहें, तो ऐसी देशभक्ति किसी काम की? ये तो फिर फिल्मी देशभक्ति है। आइए असली देशभक्ति सीखना है तो एक काम करें, अपने गीतों को सम्मान दें, अपने देवताओं को सम्मान दें, अपनी परंपराओं को सम्मान दें, अपनी मान्यताओं को सम्मान दें। बोलो तैयार हो? दोनों हाथ उठाकर। और एक बात बताओ, अब कार्यक्रम अपन एक दो चित्र और बनाऊंगा, मैं चाहता हूं चित्र बने, डॉक्टर साहब का चित्र बना कि नहीं बना है? कितने लोग तैयार हो? सब बनाने को तैयार हो? चलो एक काम करो, आप तो वहीं से श्रद्धा देना, मैं आपकी तरफ से बना देता हूं, ठीक है? करते कि नहीं करते? जैसे शिविर में जाना बोलो तू मेरी तरफ से चला जा करते ना कई बार? चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते कई बार, जैसे तो अपनी जगह दूसरों को भेज देते हैं। आज तक कोई नेता खुद लड़ने गया क्या? किसी देश के बड़े नेता ने अपने बच्चों को फौज में भेजा क्या? नहीं, हमारा बच्चा तो देश खाएगा, सीमा पर लड़ने कौन जाएगा? बोले गरीब का बच्चा, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोस में पैदा होना चाहिए, काम होने वाला। तो बोलो गाने को तैयार हो? और एक बात बताओ, जब भारत माता की आरती करे, जिस कार्यक्रम के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, जब आरती करे तो चुपचाप चुपचाप करने को तैयार हो, टेंशन में मस्ती में? कितने लोग मस्ती के लिए तैयार हैं? अरे वाह! और मेरे साथ गाने को कितने लोग तैयार हैं? और नाचने को? सब मंजूर? तो बस जरा सा इंतजार करके पहले एक बार हरे रामा हरे कृष्णा गा लेते हम, मंजूर? चलिए। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हरे कृष्ण सबको दिख रहा है? अगर चित्र ना भी देखे तो कोई चिंता की बात, ऐसे ऐसे हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, ये चित्र तो आपके दिलों में पहले से है कि नहीं है? तो कहां देखोगे? दिल में देख लोगे ना? हैं? कैसे देखना चाहिए? देखो एक बात बताऊं, कोलगेट कंपनी आपको सिखाएगी, कोलगेट कंपनी सिखाएगी आपको कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत। तो मैं एक बात पूछता हूं, अच्छा हेलो, नहीं देख, एक मिनट ओए, हाँ भैया भैया कैमरे वाले अलग हो जाना थोड़े से, अच्छा क्या? बस आप ताली बजाओ अरे चलो मंजूर, और कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ तो देखो मैं एक बात बताऊं, क्या कंपनी आपको बेवकूफ बनाएगी अगर इस शिविर से बाहर निकल के जाओगे? अरे एक मिनट, हेलो भैया, अरे एक मिनट, अभी तो मैं इधर खड़ा हूं ना यार, वो क्या कर रहे हैं आपका यार एक मिनट, चलो इधर देखो केवल 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, अभी बात करते रहो, बात टाइम खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, देखो आपको कंपनियां सिखाएंगी गोरे हो जाओ, सिखाती नहीं सिखाती है? क्रीम लेकर आ जाओ गोरे हो जाओ, साबुन लेकर आ जाओ गोरे हो जाओ। और मैं एक बात कहूं, अगर साबुन से आदमी गोरा होता
तो सारा साउथ अफ्रीका अमेरिका बनता कि नहीं बनता? कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं, गोरे हो जाओ गोरे हो जाओ, और मैं कहता हूं अपन तो भारतीय हैं कि नहीं है? और भले ही गोरे हैं सांवले या काले हैं, लेकिन दिल वाले, एक बार जरा जोर से कहो, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम तेरे तेरे। एक मिनट, किसके मंजूर हो? इधर जो डॉक्टर साहब बन रहे हैं, इनके चाहने वाले हो के नहीं हो? तो जरा एक बार यूं हाथ करके बोलो यार, हम तेरे 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 चाहने वाले, हम तेरे 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 चाहने वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। भारत रामायण गीता परम पुनीता, मेरे को माइंटर क्यों नहीं मिल रहा इधर? मेरे पास कोई माइंटर नहीं था। वेद महाभारत रामायण गीता परम पुनीता, वेद महाभारत रामायण गीता परम पुनीता, दिव्य सती अनुसुईया सावित्री यशोधरा सीता, दिव्य सती सावित्री सावित्री यशोधरा सीता, वर्धमान शंकर गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान गौतम गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान गौतम शंकर दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान शंकर गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, गूंज रही है जग में अब भी जिनकी सीख सुहानी, गूंज रही है जग में इनकी सीख सुहानी, दिया जगत को एक सत्य की दीपक बनो स्वयं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम 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 उजलम सुफलम मलयज शीतलम शश श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जा रहे थे तथागत बुद्ध, जब अंतिम समय आ गया था तथागत बुद्ध का, उनके पीछे पीछे छाया की तरह चलते थे हमेशा आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते जीवन भर आपके पीछे घूमे हैं, कटोरा लिए ले जिंदगी बिता दी आपके पीछे, अरे एक साधारण बाप भी दुनिया से जब जाता है तो अपने बेटे को कुछ ना कुछ देकर। आनंद ने कहा, बुद्ध आप जा रहे हो लेकिन जब आप परलोक चले जाओगे निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, हम दुनिया में किसके सहारे जिएंगे, हमको रास्ता कौन दिखाएगा, हमको जीवन का प्रकाश कौन दिखाएगा? बुद्ध ने यह नहीं कहा था मेरे किताबों को पढ़ना श्रद्धे, बुद्ध ने यह नहीं कहा था मेरे उपदेशों को याद रखना, बुद्ध ने कहा था अप दीपो भवा आत्म दीपो भवा, खुद दीपक बन जाओ खुद का कल्याण करो। और श्रद्धे डॉक्टर साहब ने हमको यह नहीं सिखाया था कि मेरे उपदेशों को मानना, डॉक्टर साहब ने हमको बताया था जैसे मैं डॉक्टर देश के लिए बना हूं आप भी। इसलिए मेरे साथ गाइए, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई से डर करके ना भागे, थोड़ी सी कठिनाई से डर करके ना भागे, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आंख खोल ना जागे, केवल तब तक है जब तक हम आंख खोल ना जागे, दूर हटाए अपने मन पर छाया भेद भरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम,
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अच्छा अब भारत माता बनाना प्रारंभ कर दूं, कार्यक्रम रोक दूंगा, चलने दूं? एक बार बताओ, तुम्हारा तो कुछ नहीं, मेरे को सस्पेंड करवाओगे? अभी पांच मिनट कार्यक्रम अगर ज्यादा चल गया तो मेरे को छोड़ेगा क्या? हैं? इसलिए याद रख लेना, एक दिन और बचा कितना, कल फिर बौद्धिक होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बौद्धिक में से सीधे सीधे बैठोगे तो वापस वही हो जाओगे? क्या करना है, कितने लोग तैयार है सीधा बैठने के लिए? एक बात सुनो, एक बार बताऊं आपको मैं, ये बौद्धिक में अगर यहां नहीं सुना और गांव में जाकर तुमने बात करने को, उसके देश को महान बनाना है, हिंदुओं की एकता करना है और किसी ने की क्यों करना, तो फिर क्या बोलोगे? वापस पूछ के आता हूं। बोलोगे क्या? अरे जंगल में जाओ शिकार करना है तो बंदूक होना चाहिए कि लाइसेंस होना चाहिए? हैं? ऐसा तो नहीं शेर सामने आ गया तो लाइसेंस निकाल के फोड़ दूंगा साले? लाइसेंस से काम चलने वाला? क्योंकि एक बात बोलता हूं, लाइसेंस तो मिलता है लेकिन ये तीन दिन का शिविर अटेंड करो, कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? किसी को नहीं मिला क्या यार? तुमको बेवकूफ बनाया, हमको तो मिलता है, मेरे पास है, मैंने ओपीसी करी थी ना, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपको नहीं मिला? अधिकारियों से पूछना, बेवकूफ बना दिया बेटा। पर चलो एक काम करते हैं हम सब मिलकर, समय बहुत कम है, और एक बार बताऊं, अगर ऐश के लिए जिए तो भी जाना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? और देश के लिए जिए तो भी, भगत सिंह देश के लिए जिए तो भी जाना पड़ा, स्वामी विवेकानंद जी देश के लिए तो भी जाना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस पूरा आध्यात्म के लिए जिए तो भी जाना पड़ा, हैं? और कैटरीना कैफ देश के लिए जी रही, ऐश के लिए जी रही तो भी, और सलमान खान ऐश करेगा तो भी, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो जिंदगी है, श्रद्धे विवेकानंद जी ने यही कहा था कि बेटा अच्छा कर्म कर लो तो भी जाओगे और बुरा करोगे तो भी। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। देखो एक मिनट, एक मिनट, जैसे दिन में डॉक्टर साहब आए थे, कौन सा कुर्ता पहन के आए थे? हरा, है ना? तो लोग बोलते हरा क्यों पहन के आए, तो मैं इनकी एक काम कर लो, अपने पास तो 50 कलर हैं, सामने लोग पास तो केवल एक, अगर वो भी ले लो तो कल को बिना कलर के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भूत भी हरा कलर भी वहां देवताओं का है, और संगीत की जितनी विधाएं हैं वो किसी के बाप ने नहीं दी है, सब किसने दी है? किसने दिए यार? एक बार बताऊं, अगर कोई मुसलमान जब मुझसे कहता मुझे गाना नहीं आता तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि पैगंबर ने कभी ढोलक बजाई क्या? कभी कोई ईसाई बोलता आई कांट सिंग तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, तेरा ईसा मसीह ने कभी बेंजो बजाया था क्या? लेकिन जब कोई तुम जैसा हिंदू बोलता मुझे गाना नहीं आता तो मुझे बड़ी शर्म आती है, सरस्वती जी वीणा बजाती है, नारद जी भी तानपुरा ठोकते रहते हैं, कृष्ण जी बांसुरी बजाते रहते हैं, हे यानी तो बजाना याद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और हनुमान जी और कुछ नहीं बजा, छोटा लेकर लोगों को बजाते रहते। तो यार एक काम करो, सब कुछ बजाना याद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब यमदूत आएगा ना बेटा, और यमदूत ने दरवाजा खटखटाया तो ऐसा नहीं बोल सकते पापा जी सो रहे हैं, पापा जी तो शिविर में गए हैं, बोल सकते हैं क्या? ढेर मिट्टी का बस आदमी है, ढेर मिट्टी का बस आदमी है, बाद में सबका होना यही है, बाद में सबका होना यही है। या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या तो कब्रें बनेगी जमीन पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आइए काल के आगे किसी का बस नहीं चलता,
और मैं इसी लिख रहा हूं, जिस काम को कर लो बाद में उसको होने वाला कल पर टालने से कभी होने वाला कल कभी आता नहीं है। तो एक संकल्प लेते हुए कि अभी तक जितनी जिंदगी में थोड़ी बहुत भी हमने कर ली है बेईमानी अपने साथ में, वो अब तैयार हो सब लोग, जोर से हाथ भरकर, जोर से हाथ भरकर संकल्प लो, अब हमने अपने अंदर के परमात्मा को जान लिया है और बाकी जानने का प्रयास करेंगे। कब से? अभी जस्ट, जस्ट अभी। तो फिर खड़े हो जाओ और देखो एक मिनट, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप तो आ जाओ आराम से, नहीं तो ये अपने को संभाल लेंगे। देखो रे बात सुनो, जहां तक तुमको चित्र दिखता रहता ना वहां तक आगे आ जाओ, जहां तक चित्र दिख रहा वहां तक आगे आ जाओ, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ जाओ पास में यार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई ज्यादा पास आ गया तो अपनी कोई गारंटी नहीं, उसी का नुकसान है। ठीक है चलिए बस कोई दिक्कत नहीं, बस चलो तालियां बजाते हैं, गाओ हरे रामा 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 हरे 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 रामा रामा। सब नाच सकते हो, सब नाच सकते हो, अगर ऐसे नाचना नहीं याद है तो हरे रामा रामा हरे रामा हरे हरे। ठीक है ना, हरे कृष्ण भी हरे रामा जगो रामा रामा जगो हरे हरे। एक साथ सबका महाजी कैसा होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए ना। बस हम जो करेंगे, मैं भारत माता का चित्र बनाऊंगा माता काली के रूप में, किसके रूप में, जब कलकत्ता में बनाए और स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा मिले, अगर काली माता नहीं तो रामकृष्ण परमहंस भी, और अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं तो स्वामी विवेकानंद भी, और स्वामी विवेकानंद तो बंकिम चंद चटर्जी भी, और बंकिम चंद चटर्जी नहीं तो वंदे मातरम भी, कहीं से आएगा क्या। तो ये सबकी प्रेरणा हमको मिलती रहे, मां काली के रूप में भारत माता का छोटा चित्र बनाएंगे। बोलो बड़ा वाला बनाऊं छोटा वाला बनाऊं, मंजूर? गड़बड़ तो नहीं करोगे? तालियां बजाते हुए गाते हुए डन कर दो, डन मंजूर। चलिए श्रद्धा के साथ में, अभी तक हमने कई देवताओं की आरती, हमने राम की आरती की लेकिन राम का मंदिर टूट गया, हमने कृष्ण की आरती गाई लेकिन कृष्ण का मंदिर टूट गया, हम भगवान शंकर की जय बोलते रहे, हम शिवरात्रियां मनाते रहे लेकिन भगवान शंकर की काशी भी शमशान बन गई। क्यों? क्योंकि हम इन तमाम देवताओं को जन्म देने वाली भारत माता को भूल गए। अगर ये भारत माता सुरक्षित है तो इसके किनारे पर, इसकी गोदी में बसने वाले तमाम तीर्थ सुरक्षित है। हमने गंगा माता की तो श्रद्धा से आरती की लेकिन गंगा जिस धरती पर कलकल करके बहती है उस गंगा की हम आरती श्रद्धा के साथ करते रहे लेकिन भारत माता की आरती हम श्रद्धा के साथ करना भूल गए। हम राम की आरती श्रद्धा से करते आए लेकिन भारत माता की जय हम श्रद्धा से नहीं बोलते। आइए जितनी श्रद्धा से हम अयोध्या की जय बोलते हैं उतनी श्रद्धा से अयोध्या को बड़ा कर दे, उत्तर प्रदेश बन जाएगा, उसी उत्तर प्रदेश को बड़ा कर दे भारत बन जाएगा। समझना स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि कहां है? बंगाल। आप कहेंगे बंगाल, बंगाल में पूछूंगा कहां है, बोले कोलकाता, कोलकाता के एक मोहल्ले में। अरे स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि तो 4 फीट की रही होगी लेकिन हमने पूरे मकान को उनकी जन्मभूमि बना दिया, ये हमारी भक्ति की विराटता थी। और एक बात कहूं, उस पूरे मोहल्ले को हमने स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि मान लिया, हम अगर भक्ति को बड़ा किया तो पूरे कोलकाता को हमने, जब कभी बंगाल में खड़े होकर पूछते स्वामी विवेकानंद कहां पैदा हुए थे तो हम ये नहीं कहते बंगाल में पैदा हुए, हम कहते हैं कोलकाता में पैदा हुए थे। लेकिन जब कभी बंगाल से बाहर खड़े होकर महाराष्ट्र पूछते हैं स्वामी विवेकानंद कहां पैदा हुए थे तो हम कहते हैं विवेकानंद बंगाल में पैदा हुए थे। लेकिन जब अमेरिका वाले पूछते हैं विवेकानंद कहां पैदा हुए थे, भारत में। लेकिन एक बात सुनो, कभी मंगल ग्रह पे यान पहुंच जाए और मंगल ग्रह का कोई एलियन आके पूछे वेयर स्वामी विवेकानंद जी बोर्न, तो उसको कलकत्ता के बारे में कुछ मालूम? हमको इतने बड़े ग्रह नक्षत्र में गैलेक्सी में बताना पड़ेगा दैट इज द अर्थ, इस धरती पर विवेकानंद पैदा हुए थे। आइए दोस्तों पूरे विश्व का संकल्प लें, स्वामी विवेकानंद ने यह नहीं कहा था, मेरे भारत के भाइयों बहनों, बंगाल के भाइयों बहनों,
माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ऑफ वर्ल्ड, हमारे ऋषि ने हमको छोटा सोचना नहीं सिखाया है। अगर ये भारत पूरा हिंदू राष्ट्र बन गया तो भी हमको संतोष मिलने वाला। जब तक इस पूरी दुनिया को क्रणवंत विश्व आर्य नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को सुखी नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को शांत नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को बलात्कार मुक्त नहीं कर दे, जब तक पूरी दुनिया को भेदभाव मुक्त नहीं कर दे, जब तक भाषा के झगड़े खत्म नहीं कर दे, जब तक ऊंच नीच का भाव खत्म ना हो जाए, जब तक गरीबी अमीर का भेद खत्म ना हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करके ही, और कैसे प्राप्त करके रहेंगे, डॉक्टर साहब ने कहा था यांची नहीं यांची डोला, इसी शरीर से इन्हीं आंखों से। तो मैं भी कहता हूं डॉक्टर साहब कहीं गए हुए, डॉक्टर साहब हमारे दिलों में हैं, हमारी आंखों से देखेंगे, और चिंता की कोई बात नहीं, ये तो आंदोलन है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, ये आंदोलन चलता रहे, हम सबके मनों में स्वामी विवेकानंद जगते रहें, सबके मनों में रामकृष्ण जगते रहें, हम सब माता काली की भक्ति करते रहें। तो आइए जितनी श्रद्धा से मंदिर में माता दुर्गा की आरती करते हैं, जितनी श्रद्धा से कलकत्ता में आकर माता काली को देखने जाते हैं, उतनी श्रद्धा से एक बार भारत माता की आरती उतारे तेरी आरती माँ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वो शब्दों की दिव्य चेतना, शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार के, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार के, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, अद्भुत गरिमा से पारती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। ओ शाबा ओ चकदे पट्टे वे 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 वे, वंदे मातरम 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 वंदे, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने जूते वाला प्रश्न, सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, जिसके बल बल में बल विक्रम पौरुषता का तेज भरा, जिसके कण कण में बल विक्रम पौरुषता का तेज,
ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। सारे जग को भ्रातृभाव के मिली यहीं से परंपरा। सारे जग को भ्रातृभाव के मिली यहीं से परंपरा। सुजला सुफला अतुला मिला वरदा सुखदा भारती। वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिम मंडित के लाशिखर से गर्जन करते सागर तक। हिम मंडित के लाशिखर से गर्जन करते सागर तक। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। भारत माँ की जय जयकार बुझाना है। दिग्दिगंत तक भारत माँ की जय जयकार बुझाना है। बीत गए स्वर्णिम अतीत को पुनः धरा पर लाना है। बीत गए स्वर्णिम अतीत को पुनः धरा पर लाना है। सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई। सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई। सिमटी सीमा उन धाराओं के आगे पहुँचाना है। सीमा उन धाराओं के आगे पहुँचाना है। जग में फिर से उन्नत हो अपनी माता भारती। वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। सुजला सुफला ऋषि सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा। सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा। बल पुरुष और विक्रमता का कण कण में है तेज भरा। बल पुरुष और विक्रमता का कण कण में है तेज भरा। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है। सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। सुमला अतुला अमला वरदा सुखदा भारती। वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। वंदे मातरम गा कर जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। उन्नत शीश हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है। हिम मंडित के लाशिखर से गर्जन करते सागर तक। हिम मंडित के लाशिखर से गर्जन करते सागर तक। तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरें कहा।
माता है भारत माता। किस भारत माता की जय बोल रहे हैं आप? किस भारत माता की आराधना के लिए हमको सिखा रहे हैं हमारे अधिकारी? किस भारत माता की वंदना के लिए सुबह से बौद्धिक चल रहे हैं? किस भारत माता की उपासना के लिए आप सुबह से जाकर बैठे हुए हैं? कैसी भारत माता? काली माता का तो एक स्वरूप में आपके सामने भारत के लिए बना रहा हूं, लेकिन भारत माता कैसी है? भारत माता समझने का प्रयास करें। भारत माता कहां है? ये मंच जिस धरती पर बना है और आप जिस धरती पर खड़े हैं, यह धरती है। लेकिन एक बार बताओ, यह धरती रहे और धरती पर हम भारत माता को मानने वाले ना रहे तो क्या भारत माता रहेगी? ये बंगाल की धरती भी भारत माता थी, ये पाकिस्तान की धरती भी भारत माता थी, ये जिसको कहते हैं अफगानिस्तान, ये गांधार भी कभी भारत माता थी, ये जिसको कहते हैं कंबोडिया, ये भारत माता का हिस्सा था, ये इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा, ये सब भारत माता का हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, भारत माता का जमीन तो रही, लेकिन आत्मा खत्म होती आई, वहां से हम सिमटते गए, संस्कृतियां बदलती रही। तो एक बात याद रखना, भूमि पे रहने वाला जन और जन की संस्कृति, तीनों मिलकर बनते हैं देश, तीनों मिलकर बना है भारत। तो आइए समझें, ये धरती है भारत माता, इस धरती पर लहराने वाला समुद्र, ये गंगा सागर, ये सिंधु सागर, ये हिंद महासागर, जहां स्वामी विवेकानंद ने बैठकर तपस्या की थी, इस देश के महत्व को समझा, इस देश के जागरण का आह्वान किया, ये हिंद महासागर है भारत माता। इन सागरों से उठने वाली भाप और आसमान में जाकर गरजने वाले बादल, ये गरजने वाले बादल, ये भारत माता। इन बादलों से बरसने वाला बरसात का रिमझिम रिमझिम जल और जल को लेकर बहने वाली नदियां, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, गोदावरी, ये हमारी नदियां हैं भारत माता। भारत माता की कैसे उपासना करेंगे? भारत माता की उपासना करें, गंगा गंदी हो जाए, कैसी भारत माता की उपासना? आधा ग्लास पानी पीकर आधा ढोलते रहें और गंगा माता की जय बोलते रहें, ऐसी जय बोलने का कोई अर्थ? हम भारत माता की जय बोलते रहें, ये पेड़ हमारे सामने कट जाए, ऐसी भारत माता को लेकर क्या करेंगे? हम भारत माता की जय बोलते रहें और गाय माता नष्ट हो जाए, ऐसी भारत माता को लेकर हम क्या करेंगे? दोस्तों आइए समझें, भारत माता क्या है? ये गाय भारत माता, ये नदियां भारत माता, ये पेड़ भारत माता, ये बहने वाली नदियां हैं भारत माता, इन नदियों से सींचने वाले खेत है भारत माता, इन खेतों में काम कर रहा किसान भारत माता, तो सीमा पर पहरे दे रहा जवान भारत माता। दो जवानों के सिर काट लिए गए और पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बांग्लादेश के लोगों ने 17 सैनिकों को मार मारकर गर्म पानी डाल डालकर क्षत विक्षत करके भेजा, लेकिन क्यों नहीं जागी सरकार? क्योंकि किसी नेता के रिश्तेदार नहीं थे, ये भारत माता के पुत्र थे। एक हजार जवान बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। कहां मर जाता है अरविंद केजरीवाल? कहां मर जाते हैं तमाम नेता? प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं जब भी देश में घोटाला होता है, मैं चोर नहीं हूं। मुझे भी मालूम है प्रधानमंत्री, आप चोर नहीं हो, आप तो चोरों के सरदार हो। मेरी बातों को इस मंच से ना जोड़ा जाए, मैं स्वतंत्र कलाकार बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री बार बार चिल्लाकर बोलते हैं मैं भी 3 बेटियों का बाप हूं, लेकिन सुनो, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री जब तुम्हारी 3 बेटियां जवान थी तो तुम्हारी तरह कायर प्रधानमंत्री नहीं था, तब कोई अच्छा प्रधानमंत्री देश में था, इसलिए तुम्हारी बेटियां बची रही। इस देश के जवान अपमानित होते रहे और लाल किले से कोई कायर भाषण देता रहे, भारत माता की जय डूब मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। भारत माता की जय तब होगी जब हम जवाब देना सीख जाए। इसराइल से सीख नहीं ले सकते हम, एक सैनिक मारे हम तुम्हारे 50 नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हम तो लबादा उड़ेंगे, इस गाल पे झापट मार ये गाल आगे कर दे, इस गाल पे झापट मार ये आगे कर दे। हम तो शुरू से गालियां खाते आए, हम जूते खाते आए, भारत माता की जय बोलते आए, लाल किले से भारत माता की जय कैसे होगी? सिक्योरिटी में घुसकर, बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर भाषण देकर भारत माता की जय होगी? अपने देश की जनता पर भरोसा नहीं है तुम्हें? भारत माता की जय करोगे? लेकिन दोस्तों, उनको गाली देने से क्या होगा? माना माना कि वे नेता है बेईमान, इन्होंने बेचाया सारा हिंदुस्तान, इन्होंने किए अनगिनत पाप हैं, ये जहरीले सांप हैं। मगर दोस्तों, हम ये क्यों भूलें कि हम और जो आप हैं, यही तो बेईमान नेताओं के। तो किसी नेता को वाणी से मत धिक्कारो, अपना जूता उतारो और अपने सिर पे मारो, और अब संकल्प लेकर जाइए कि अब देश में सैनिकों का अपमान नहीं होगा,
अब संकल्प लेकर जाना, अब इस देश में किसानों को अपमान नहीं होगा। इस देश के जवान है भारत माता, इस देश के किसान है भारत माता, अब पढ़ाते हुए अध्यापक है भारत माता, पढ़ने वाले विद्यार्थी है भारत माता, इस देश की नदियां हैं भारत माता, ये आसपास खड़े हुए हरे भरे पेड़ हैं भारत माता, और इन पेड़ों पर चहकने वाले पंछी इन पंछियों का और हमारा, इन गायों का हमारा, इन पेड़ों का हमारा, इन किसानों का हमारा, उत्तर भारत का हमारा, दक्षिण भारत का हमारा, कावेरी के लिए हम लड़ते रहे और भारत माता की जय बोलते रहे, यह दोगलापन है। कावेरी पानी नहीं है, कावेरी हमारी माँ है। माँ का बंटवारा नहीं किया जा सकता, माँ का प्रेम बच्चों को मिल सकता है, लेकिन कावेरी के नाम पर देश बांटने वाले लोग, दोस्तों इंडिया और भारत में यही अंतर है। इंडिया सेंसेक्स को देखता है और भारत सेंस को देखता है। आइए इस देश को कैसे एक करेंगे, क्या किसी व्यक्ति के नाम से देश एक हो सकता है? नहीं, यह देश संस्कृति के नाम पे एक हो सकता है। मैं इसी बात का आपसे संकल्प लेता हूं, बहुत संक्षिप्त भारत माता का चित्र पूरा करूंगा। यह तमाम नदियों का हमारा, उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, हम सबका आपस में जुड़ जाए नाता, समझ ना प्रकट हो जाएगी भारत। बादल से बहुबल धारिणी नमामि तारिणी जगत तारिणी जग माता, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी जगत तारिणी जग माता, और इस जग माता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो, और इस जग माता के बेटे शोक रहित हो हर्षित हो। संतानों के हित में माँ दुर्गा बन कर हो कार्ती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। भाई प्राण कर ले अपना कर्तव्य निभाएंगे, आओ भाई प्राण कर ले अपना कर्तव्य निभाएंगे, सो करके जो खोया है वह स्वर्णिम युग लौटाएंगे, सो करके जो खोया है वह स्वर्णिम युग लौटाएंगे। सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई, सप्त सिंधु की धाराएं जो कटकर हमसे दूर गई, सिमटी सीमा उन धाराओं के आगे पहुंचाए।